स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक है ना? लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था भारत की महिमा एंड फोर्थ लेसन मन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी के लेखक हैं गुरुबचन सिंह जी। इनके इस लेसन में उन्होंने क्या बताया इसको जानने से पहले हम लोग उनकी जीवन के परिचय के बारे में जानते हैं। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य में अनेक साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। जो सुप्रसिद्ध ये गुरुबचन सिंह जी थे, उन्होंने साहित्य में अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन, मतलब फ्री एकदम, उनको कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा लैंग्वेज लिखना है। उनकी जो भाषा थी वो सरल और प्रवाही थी, ईजी थी। इस वजह से जो उनका साहित्य था वो बहुत ही ज़्यादा रोचक होता था। इस लेसन में उन्होंने बताया है कि हमारा जो वचन है प्राणियों के लिए जो है, जो हमारे वचन है उसको हमें जिम्मेदारी से जो है निभाना चाहिए और भावना से, मतलब भावना जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति जो दया है वो, उसकी भावना को उन्होंने इस लेसन में व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पशु जो है भले ही वो उपयोगी ना हो लेकिन उनका पालन पोषण हमें करना ही हमारी मानवता का धर्म है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर चार डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। उसने उस जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर दो चार दिनों से करामत अली इधर दो चार दिनों से अस्वस्थ थे था लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उसने उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान मतलब जहाँ पर गाय को बांधते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। देखिए क्या हुआ था ना, लक्ष्मी नाम की एक गाय थी, उसको उस दिन जो है ना रहमान जो थे उन्होंने ना गुस्से में आकर ना उसको बहुत मारा और वो इतना डर गई थी कि उसके पास जो भी जाता उससे प्यार से वो करता, पुचकारता, मतलब प्यार से सहलाता तो भी जो है वो उनको मारने की कोशिश करती। खुद को अपने खूंटे जो जिसमें उनको बांधते हैं इधर उधर उछलती या तो खुद को वहाँ से उस खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती थी। करामत अली जो थे वो दो चार दिन से अस्वस्थ थे, बीमार थे, लेकिन फिर भी जैसे ही उनको पता चला कि लक्ष्मी को उसने मारा है जो है रहमान ने, वो धीरे धीरे उठे और जाके जो है लक्ष्मी के पास जो है जहाँ पे गाय को बांधते वहाँ पे गए और लक्ष्मी को धीरे धीरे जो है उनके माथे पे हाथ फेरा और पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए लक्ष्मी के शरीर में एक ऐसे बोलते ना कोई आपको ऐसे टच करता है प्यार से तो आपके अंदर ये होता है सिरहन से दौड़ना। ओ कंबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बिचारी को आराम मिलेगा। कयामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसने लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही फिर वह वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। वो देखे और बोले, बाप रे कितना बेदर्दी से मारा, कितनी बुरी तरह मारा है जो है। उनको बहुत गुस्सा आया था। उतने में उनकी बीवी आई रमजानी और उन्होंने बोला कि लो इसे ना इस दवा को उसके चोट पे लगा दो, उससे उसको आराम मिलेगा। तो करामत अली को बहुत गुस्सा आ गया, बोला कि ऐसे कोई मारता क्या आराम हो जाएगा, ऐसे कोई मारता है क्या इसको किसी को, अगर इसी डंडे से तुम्हारे बेटे को मारा जाए, रमजान को मारा जाए, दो चार डंडे हाथ तोड़ दिए जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो रमजानी अपने बेटे का वो करते हुए बोलती है कि बुरा तो उसे भी लगा पर इसने आज दूध नहीं दिया था इसके लिए इसको मारा गया है, इसको इसकी सजा मिली क्योंकि इसने दूध नहीं दिया। थोड़ी देर वो पूछते बोलते भूल बोलती है
कि ठीक है अपना भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, कहीं थोड़ा भी पैर इधर उधर हो गया तो कमर में लचक आ जाएगी और फिर दिन भर मुझसे तुम सिखवाते रहोगे कमर को। तब करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाने और जाते और एक साथ ही घर लौटते। फिर ना उनको बहुत बुरा लगा था रहमत अली को। उन्होंने क्या बोला कि माफ़ करना, वो तो मूर्ख है, वो तो पागल है, तुमको मारा उसने। डेयरी फार्म के जो डॉक्टर थे वो तो पिछले साल ही बोल दिए थे कि ये तेरा आखिरी साल है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता है। जो लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी गाय, वो रहमत अली के दोस्त ज्ञान सिंह की आखिरी निशानी थी। मतलब उनके दोस्त की वो एक ही निशानी बची थी। ज्ञान सिंह जो थे उनके पड़ोसी के साथ साथ उनके ऑफिस में साथ में काम करते थे। वो कंपनी साथ में आते, एक ही विभाग में, एक ही कारखाने में, एक ही विभाग में काम करते थे। वो कंपनी आते भी साथ में थे और जाते भी साथ में थे। छुट्टी जो है उनका सब साथ में ही हो रहते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी मतलब जानवर पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। देखो ज्ञान सिंह जो थे ना, उनको ना जानवर पालने का बहुत शौक था। वो जानवर पालते थे और हमेशा उनके घर के सामने ना गाय या भैंस जो है बंधी हुई रहती थी। 3 साल पहले उन्होंने एक जर्सी गाय लिया था, उसका नाम क्या रखा था, लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जो थी वो उनकी ही गाय थी। उनके वो गाय ना जो है इतना दूध देती थी ना कि उनके जो है घर में ना, उनके घर के तो काम हो जाते थे दूध से, और 2-4 घर जो है मोहल्ले में भी 2-4 घरों में वो दूध पहुँच जाता था। और जैसे ही ना दूध, उनको ना दूध बेचने का शौक नहीं था, वो क्या करते थे कि गाय के लिए चारा खरीद लिया जाए, इतना ही दूध वो उनको जो है इतना ही पैसा वो लोगों से ले लेते थे और उसके लिए चारा और जो दाने वगैरह खिलाने रहते थे वो लेते थे, वो खरीदते थे। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह का कंपनी को का वह काम मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसने अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली ने कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। जो वो थे ना उनको वो नौकरी से उनको रिटायरमेंट मिल गई थी और रिटायरमेंट मिलने के बाद उनको वो जो मकान था वो छोड़ना था, पर वो ना लक्ष्मी को ये सोचते थे कि अगर मैं मकान छोड़ूंगा तो लक्ष्मी को वो बेचना नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि लक्ष्मी को बेचे ना, और उनको अपने साथ लेके जाना भी, ट्रैवल करके लेके जाना भी संभव नहीं था। इसलिए एक दिन उन्होंने, जब 10-15 दिन उनकी नौकरी को ख़त्म होने को रह गए थे, तो उन्होंने रहमत अली से बोला, मियाँ क्या मैं तुम्हें लक्ष्मी को तुम्हें दे सकता हूँ, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, क्या तुम उसको लोगे। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला, इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो वो बोलते हैं रहमत अली, अरे वाह ये तो मेरे मन की बात तुमने बोल दी। वो कोई पूछ के करता है नेकी, तुम जो है मेरे लिए लेके आ जाओ जो है, मैं मुझे चलेगा, मैं गाय तुम्हारी ले लूँगा। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। कसर छोड़ना मतलब कमी ना रहना, कसर नहीं छोड़ना मतलब कमी ना रहना। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी
इत्मीनान, इत्मीनान मतलब सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना, तसल्ली नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। जब उन्होंने दिया तो करामत अली ने क्या किया कि एक साल से वो उसकी सेवा कर रहे थे और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रख रहे थे वो। करामत अली ने जैसे उसके पीठ पर रोगन लगाया, दवा लगाया, फिर भी उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला दवा लगा के भी। और लक्ष्मी उनको देख रही थी और देखते हुए मान लो ऐसा वो बोलना चाह रही है, ऐसा वो कह रही है कि अगर मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे जो है आज़ाद कर दो, छोड़ दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं और चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद जो है उस दवा वा लगाने के बाद वो करामत अली को जो है करामत अली को ऑफिस जाना था, वो ऑफिस जाने लगे और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसी में उतने में उनकी वाइफ जो रमज़ान जो उनकी वाइफ थी रमज़ानी, वो बोली, रमज़ान के अब्बा, क्या हम लोग जो है अगर लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया तो क्या हम लोग इसको ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे फ्री का? तो बोलते हैं कि अगर जानवर है, अगर खूंटे से बंधी है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, इतना रहमत अली ने बोला। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 350 महीने का खर्च है, सो तो है, कहते हुए रहमत अली। फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला जानवर है तो खिलाना तो पड़ेगा ही, तो उसने बोला कि जो है अरे तुमको पता है क्या कितनी महंगाई है, इस महीने में सिर्फ महीने का सिर्फ इसको खिलाने पिलाने में ही 300-400 चले जाते हैं। तो रहमत बोलते हैं सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की ओर की तरफ हो लिया। रास्ते में वही रमजानी की बात का विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। वो सो तो है, इतना बोल के अपनी वाइफ को इतना रिप्लाई करके चले जाते हैं। लेकिन जब वो रास्ते में जाते रहते हैं, कारखाने के लिए निकलते हैं, रास्ते में उनको उनकी वाइफ की बातें ही ध्यान में आती है कि सही बात है कि अगर ये दूध नहीं देगी तो चारा इसको खिलाना, मतलब मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि अगर ये एक टाइम आएगा ये दूध देना बंद कर देगी तो इसको मुझे फ्री में खिलाना पड़ेगा। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां, क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा, क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। तो वो जाते रहते हैं तो उनके साथ में उनका एक दोस्त रहता नईम, वो जाता रहता है तो वो उनको परेशान देखकर पूछता है, करामत मियाँ क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, बड़े परेशान देख रहे, सब खैरियत तो है, सब सही तो है? तो वो बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं। तो बोलते हैं अरे कुछ तो बात होगी, परेशान हो तुम? तो बोलते हैं हाँ, क्या बताऊँ, अभी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, अब उसको खिलाना पिलाना बैठा कर खिलाना बांध कर खिलाना पड़ेगा, अब उसको तो फ्री का ही खाना खिलाना पड़ेगा और इस महंगाई में गाय भैंस का खर्चा। इतना बोलते बोलते रुक जाते हैं, उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा है इस महीने में गाय भैंस का खर्चा। तो बोलते इसमें परेशानी की क्या बात है, इसमें चिंता की क्या बात है, गाय को बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली ने बोला कि हाँ सही बोल रहे हो तुम, बेच देंगे तो परेशानी भी हट जाएगी और ये तो बहुत सरल तरीका है कि लक्ष्मी को बेच देंगे तो जो है मेरा खर्चा भी बच जाएगा और मैं परेशान भी नहीं रहूँगा। और वह इतना बोलते बोलते जो है नईम के पास से हट के अपने काम में लग जाता है। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा,
रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दूहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्राल आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। जैसे ही उसने वो रात में ड्यूटी पर गया था और सुबह आया, सुबह आते ही उसने देखा तो पूछा कि क्या तुमने लक्ष्मी को चारा दिया? तो उसकी वाइफ रमजानी बोलती, मैंने रहमान से तो बोला था, क्या उसने नहीं दिया है? लगता है उसने वो भूल गया था। तो वो गुस्से में बोले कि तुम दोनों का मर्जी होगा तो ही लक्ष्मी को खाना मिलेगा। क्या दूध नहीं दे रही है गाय तो मतलब कि खाना नहीं देंगे, उसको खाना पानी नहीं देंगे? और इतना बड़बड़ाते हुए वो जाते हैं, चारा काटते हैं और ले जाके जो है दूध उसको चारा ले जाके काट के उनको सानी तैयार करते हैं सब कुछ मिला के। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। लक्ष्मी को इतनी भूख लगी थी कि वो एकदम उतावली, मतलब उत्सुक हो जाना, और बेकार जो है जो सानी वो तैयार कर रहे थे मिक्स करके उसमें मुंह मारने लगती है। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। गाय को जब चारा दे दिया उसके बाद उसने उसकी पीठ को देखा जहाँ पे रहमान ने उसको मारा था, कि चोट कहीं पे ज़्यादा है कि कम हो गया है। उसने देखा तो देखा कि दवा जो है उसका काम कर गया, जो लेप था वो काम कर गया और दाग हल्के हो गए हैं। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? ऐसे ही 10-15 दिनों से चल रहा था। एक दिन जब रहमान ने करामत अली ने अपनी वाइफ रमजानी से उसके चारे के लिए पैसे मांगा लक्ष्मी के लिए, तो बोली कि मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास कहाँ है? जब से इसने दूध देना बंद कर दिया है तब से मैं क्या करूँ? अभी मेरे पास पैसे, पहले दूध बेचती थी तो पैसे रहते थे, अब दूध नहीं बेच रही तो मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ अभी, कहाँ से दूँ? लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल जाएंगे, आखिरकार इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहो तो ऐसा करके देख लेंगे। तो वो बोलती है कि ठीक है, ये अपने घर के खर्चे के लिए राशन के लिए 20 रुपये थे, यही ले लो, इससे लेके आओ। तो बोलता है रहमान, बोलता है कि हाँ ये सही है, इससे तो इसके 2-4 दिन का खर्चा चल जाएगा जो है। तो बोलती है, लेकिन फिर ऐसे कब तक चलेगा जो है, हम लोग कब तक ऐसा करेंगे? एक तुम जो है तुम बोलो तो एक बार इसको छोड़कर देखें, क्या इससे एक बार आजमा कर देखें कि इसको खुला छोड़ देंगे और ये कहीं चली जाएगी। दूसरे दिन रहमान से सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नज़र आती है छोड़ आया, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी, एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कर रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रहमान ने क्या किया, दूसरे दिन सुबह 8-9 बजे के लगभग उठा सुबह, और उसको एक गाय एक अपने गांव से दूर, मोहल्ले से दूर एक हरे भरे मैदान में छोड़कर चलाया, ताकि वो अपना पेट भी भर सके। लेकिन रमजानी और रहमान को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि 1-1.5 घंटे बाद जो है लक्ष्मी उनके द्वार पर खड़ी, और एक आदमी उसके गले में रस्सी बंधी हुई है, और एक आदमी उससे पूछता है, क्या ये आप लोगों की गाय है? रमजानी ने कहा, हाँ यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखे नहीं तो काजी हाउस में पहुँचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आंगतुक की बात सुनती रही। रमजानी ने कहा, हाँ ये मेरा ही गाय है, मेरी ही ये गाय है। तो बोलता है कि देख लो, इसने हमारी गाय का पूरा चारा खा लिया है, अगर तुम लोग इसे संभाल कर नहीं रखोगे, बांध कर नहीं रखोगे, तो मैं काजी हाउस जहाँ पे काजी के घर पे मैं छोड़ आऊँगा। और रमजानी जो है वो आदमी जो आया था उसकी बातें बस ध्यान से सुन रही थी, खड़ी होकर चुपचाप सुन रही थी।
दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से सॉरी दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौट आया और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कर तो रहा था, उसने कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी था शाम को वह तुमसे मिलने के भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गए, उसे लग रहा था सब कुछ एक उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। दोपहर में जब करामत अली घर लौट कर आए, उन्होंने हाथ हाथ तो धुल कर जब वो खाना खाने बैठे तो रमजानी ने बोला कि ऐसा कब तक चलेगा, मैं बोल रही हूँ तुमको इसको भेज दो तो भी मेरी तुम बात नहीं सुन रहे हो। तो बोलते हैं ये बूढ़ी हो गई, इसको कौन खरीदेगा। तो बोलते हैं रमज़ान तो बोल रहा था कि कोई उसको बोल रहा था खरीदने के लिए और वो आज शाम को तुमसे मिलने आएगा भी। करामत अली जैसे एकदम शांत हो गए, उनको लगा कि उनको सारी चीज़ें उनके मन के विरुद्ध हो रही, उनकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। वो एकदम खामोश एकदम सुनसान होकर सुनते रहे करामत अली सुनकर। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी को की चिंता किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसको लक्ष्मी के सामने डाल दिया। करामत अली को ये फील हो गया था, ये महसूस हो गया था कि इसकी चिंता अब किसी को नहीं है, और यह सब सोच के वो शांत हो गया और जो घर में रोज सूखा चारा पड़ा हुआ था वो ले जाके लक्ष्मी के सामने उसने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आँखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती है मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाँकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। लक्ष्मी ने जैसे ही चारे को सूंघा और उसने जो है उसको छोड़ दिया, ऐसे ही खड़ी रही जैसे वो पूछना चाह और करामत अली को सामने के तरफ देखने लगी, जैसे वो पूछना चाहती हो कि मालिक क्या यही खाना है आज, ये रूखा सूखा मुझे खाने के लिए सिर्फ रूखा सूखा, मेरा खली और मेरा दर्रा कहाँ, मेरे जो दाना मिला के आप खली बनाते थे वो कहाँ है, जो है सानी बनाते थे वो कहाँ है। करामत अली उसके पास से उठ कर मुँह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर चला गया, पन्नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया, करामत अली उसे पहचानता था। करामत अली ने उसके पास से उठकर अपना हाथ मुंह धोने के लिए गली के जो नुक्कड़ पे जो नल था उसके पास चला गया और शाम को 7-8 बजे के लगभग जो है रहमान के साथ में एक आदमी आया करामत से मिलने के लिए, लक्ष्मी गाय को खरीदने के लिए। और अच्छी बात ये बात देखा था कि मतलब ये था कि मतलब करामत अली उसको पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो, कुछ मतलब मिलने मिलाने की बात हो। इससे पहले ही उन्होंने पूछा करामत अली ने उनसे कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो, उसने जवाब में कहा हाँ बूढ़ी गाय है दूध दूध नहीं देती, तो क्या हुआ तुम उसे लेकर क्या करोगे, मैं कहीं और बेच दूंगा। तो करामत अली पूछते हैं कि क्या तुम गाय को खरीदने आए हो, तो बोलता हाँ, तो बोलती बूढ़ी गाय है दूध दूध नहीं देती, तो बोलता इससे क्या हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं खरीदूंगा फिर भी। तो बोलता है तो करोगे क्या तुम खरीद के इसको, बोलता मैं किसी और को बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया, उसको पता था कि ये उसका धंधा है कि वो एक जगह से गाय लेता है और दूसरे जगह बेच देता है। वो बोलता है ये तुम्हारा पुराना धंधा है मुझे पता है, इसलिए मुझे तुमको गाय नहीं बेचनी है। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो। रमजानी को समझ में आ गया, उसने तुरंत बोला, क्या कोई तरीका है किसी से बात करने का, कोई आपके घर पे आया और आप उसको बिना कुछ बोले बिना बैठाए उठाए जो है उसको ऐसे ही भगा दो, दुत्कार कर भगाना मतलब बेइज्जत करके भगा देना। तुम जानती हो वह कौन है, करामत अली ने कटुश्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच जाएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया था तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो बोलती तुम जानती हो कौन है, ये गाय को लक्ष्मी को लेके जाएगा और ऐसी जगह बेच देगा कि जहाँ की लक्ष्मी को काट के जो है लोगों में बेच दिया जाएगा, और ये मेरे ज्ञान सिंह को अगर मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को अगर पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा।
उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा। नींद उसकी आंखों से कोसों कोसों दूर, मतलब बहुत दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली की चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकलकर लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी दो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? उस दिन उसको नींद नहीं आई, सुबह उठा, मुँह हाथ धुला और लक्ष्मी को लेकर जो है गली के बाहर जाने लगा। उसकी पत्नी रमजानी खड़ी थी दरवाजे पर, वो देखते हुए उससे पूछी, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूँगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े में रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ पर जो लोग भी रहेंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानोगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर गया। चल लक्ष्मी चल, जल्दी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो उसे ले जा कहाँ लेके जा रहा था? गौशाला में। उसने लक्ष्मी को बोला, चल जल्दी चल, तुझे मैं गौशाला में छोड़ दूंगा, हमारे घर से ज़्यादा मज़े में वहाँ तो रहेगी। हाँ मैं कभी कभी मिलने आऊँगा तुझे, पर तू क्या मुझे पहचानेगी? वो खुद तो लक्ष्मी को लेके जा रहा था, भगा रहा था, पर ऐसा लग रहा था ना कि जैसे जो है वो खुद बूढ़ा बैल है, इस तरह भारी कदमों से जा रहा था। समझ में आया सबको? होमवर्क जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे दिया हुआ है वो सारा होमवर्क आपको करके मुझे मेरे नंबर पे भेजना है। सबको लेसन समझ में आया ना? तो होमवर्क मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा। चलिए होमवर्क करिए। चलिए बाय बाय।